नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम अजाव शर्मा और आज हम करने वाले हैं वन प्लस सिक्स का एक एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट। और इसके अंदर मैं टेस्ट करूंगा इसकी बैटरी परफॉर्मेंस कैसा परफॉर्मेंस देता है, कैसी हीटिंग इश्यूज हैं इसके अंदर, और मैं इसके अंदर फुल सेटिंग्स पे खेलूंगा पबजी और कोशिश करूंगा कि मुझे मिल जाए विनर विनर चिकन डिनर। अगर आपको ये वाली टी शर्ट पसंद आई है तो फिर आप चेकआउट कर सकते हो teesadda.com और वहाँ भी जाके पबजी की टी शर्ट्स खरीद सकते हो अपने पसंद की। वहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइन है पबजी से रिलेटेड, और वहाँ पे जाके अगर ग्रेटर कोड लगाओगे तो आपको मिलेगा 10% ऑफ आपके प्रीपेड ऑर्डर के ऊपर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट कर अपन खेलना स्टार्ट करते हैं गेम को। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि फ़ोन के अंदर बैटरी कितनी है। तो आप देख सकते हो कि फ़ोन के अंदर जो बैटरी है वो 77% है। और अब अपन गेम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ गेम्स इंस्टॉल्ड पड़े हुए हैं जैसे कि असॉल्ट 8, पबजी मोबाइल, टेकन और पबजी चाइनीज़ वाला। ये वाला नहीं खेलेंगे अपन, नॉर्मल वाला पबजी खेलेंगे अभी, ग्लोबल वाला। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये सब कुछ अपने को फ्री में पैसे बांट रहा है। कितने बकवास ये रहती है। अब आप देख सकते हो मैं सेटिंग्स में जाके इसकी जो ग्राफिक्स हैं उनको फुल कर देता हूँ। HDR, अल्ट्रा HDR पर होता नहीं है, बाकी मैंने लगभग सारी की सारी जो हैं वो फुल कर रखी हैं सेटिंग्स। ओके, अब आप देख सकते हो कि सारी सारी सेटिंग्स जो हैं वो फुल है। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। और अब मैं स्टार्ट करते हैं गेम को। मैंने पबजी मोबाइल को गेमिंग मोड में डाल रखा है तो फिर कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो मुझे पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेमिंग मोड के अंदर ये आपके नेटवर्क को भी बूस्ट करके रखता है और सारे से नोटिफिकेशन वगैरह को भी ब्लॉक करके रखता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं वहाँ पर उतना नहीं चाहता था लेकिन मैंने इस खतरे को फॉलो कर रखा था। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार दिख रहे हैं, टेक्सचर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और सच कह रहा हूँ मतलब कोई भी लैग वगैरह महसूस नहीं हो रहा है। आखिर वन प्लस है, इसमें स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर आता है, 8 GB की रैम वाले वेरियंट है मेरे पास, तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। एक बार मुझे बहुत बेकार लगती है इस वाले फ़ोन की, कि जब भी आप ऐसे फ़ोन को पकड़ते हो, मैं अक्सर ईयरफोन लगा के खेलता हूँ, लेकिन आप ऐसे पकड़ के खेल रहे हो तो फिर आपके जो स्पीकर है वो यहाँ पर है तो वो आपके हाथ से ढक जाता है तो आपको अच्छे से आवाज़ नहीं आ पाती है। मर गया ताऊ, मर गया। मुझको एक बैकपैक ढूंढना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। फ्रेम रेट बहुत ज़्यादा सही आ रहा है लेकिन जो पिंग है मेरा वो पिंग थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जब मैं सच सर्वर में खेल रहा हूँ वो सर्वर थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी फ्रेम रेट बहुत ही ज़्यादा सही है और सच कह रहा हूँ क्वालिटी जो है गेम की बहुत ज़्यादा अच्छी है। कहीं लेवल 2 का बैकपैक क्यों नहीं मिल रहा? राव राव रेड जोन, ये दोनों के दोनों कहाँ से प्रकट हो गए एकदम ही। What the fuck is this? बाकी तो मेरी पिंग जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, तो हल्का सा ग्लिच हो रहा है गेम के अंदर। इस वक्त मेरी पिंग जो है वो 400 आ रही है यार, 400। डिवाइस हल्का सा हीट अप हो रहा है और अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी 70% है अभी, लेकिन इतना ज़्यादा हीटअप भी नहीं हो रहा है, नॉर्मल ही है, इतना हीटअप नॉर्मल होता है। टेक्सचर क्वालिटी वाकई में बहुत ज़्यादा शानदार है और मैंने कलर जो हैं पबजी के वो भी कलरफुल पे सेट कर रखे हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रहा है, वाकई में अप्रिशिएबल है। ज़्यादातर मैंने मिड रेंज गेमिंग ही कर पर ही वीडियोस बनाई हैं, तो मिड रेंज स्मार्टफोन्स होते हैं उनके अंदर जो पबजी फ़ोन जो पबजी गेम है वो फुल सेटिंग्स में नहीं चल पाता, लेकिन थैंक्स टू स्नैपड्रैगन 845 बहुत ज़्यादा शानदार गेम प्ले मेरे को प्रोवाइड कर पा रहा है वन प्लस सिक्स। मारुति सुजुकी एसटी मिल चुकी है मुझको। हेलो, इट्स अ परफेक्ट ट्रैप, सही मारूंगा मैं।
आई होप सलमान खान वाली वीडियो देख के मेरे पे गुस्सा ना हो। एक बंदा और बचा है बस। आखिरकार मैंने विनर विनर चिकन डिनर ले ही लिया पबजी के अंदर वन प्लस सिक्स की बदौलत, क्योंकि इसके अंदर वाकई बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। और बात करूँ इसकी हीटिंग की तो हल्का सा हीट हो रहा है हर फ़ोन की तरह। और अगर अपन इसकी बैटरी की बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर जो बैटरी थी उसके मुकाबले जो अब इसके अंदर बैटरी है वो 61% ही रह गई है। तो बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा घटी है और थोड़ा सा ज़्यादा गर्म भी हुआ है फ़ोन। तो विनर विनर चिकन डिनर तो मुझे मिल चुका है। अब अपन एसॉल्ट जैसे गेम्स ट्राई कर लेते हैं क्योंकि वो सारे के सारे गेम्स भी तो आखिर मेन स्ट्रीम है। टिकटॉक से एक छोटी सी रेस खेल लेते हैं अपन एसॉल्ट 8 के अंदर भी। मैं एसॉल्ट 9 के अंदर रिव्यू बनाने की सोच रहा था वन प्लस के अंदर, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि एसॉल्ट 9 अभी वन प्लस 6 के लिए अवेलेबल ही नहीं है। मतलब प्ले स्टोर पर अवेलेबल तो प्री रजिस्टर के लिए है, लेकिन कुछ लोग कहीं और साइट से डाउनलोड करके उसको क्रैक करके अपने फ़ोन्स में चला रहे हैं और दूसरे फ़ोन्स में सपोर्टेड है कुछ एक फ़ोन्स के अंदर। लेकिन जो वन प्लस 6 के सपोर्टेड फ़ोन्स की लिस्ट देखता हूँ तो वन प्लस 6 के अंदर ये वाले गेम अभी तक सपोर्टेड नहीं है। तो अगर मैं किसी और साइट से निकाल के वाले गेम को चलाने की कोशिश करता भी हूँ तो भी मैं नहीं चला पाऊँगा और आफ्टर ऑल ये सही से नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा यही है कि मैं प्ले स्टोर पर अवेलेबल होने का वेट करूं। ओह शिट, आराम से इससे अच्छा यही रहेगा कि मैं प्ले स्टोर पर अवेलेबल होने का वेट करूं इस गेम का और फिर वहीं से ही डाउनलोड करूं। तो जो बड़े बड़े हैवी ग्राफिक्स वाले गेम थे वो वन प्लस 6 ने बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से संभाले। और अब छोटे छोटे गेम्स देख लेते हैं जैसे कि सुपर मारियो रन, कि वो कैसे संभालता है वी वन प्लस 6। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो वाकई बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से संभाला है वन प्लस 6 ने इस वाले गेमिंग परफॉर्मेंस वाले रिव्यू को। और अब अगर बैटरी की बात करें, बैटरी 58% रह चुकी है। अब देख सकते हो कि बैटरी ने इतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन नहीं दिया है। हालांकि देखा जाए तो फिर इस वाले अपडेट के बाद जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। हो सकता है वन प्लस आने वाले अपडेट्स में बैटरी की परफॉर्मेंस पहले जैसी कर दे, क्योंकि इस वाले अपडेट के बाद बैटरी की परफॉर्मेंस वाकई में बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। तो जैसे कि देख सकते हो कि वन प्लस 6 ने बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से परफॉर्मेंस को संभाला, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गेम्स, बहुत ज़्यादा भारी भारी हाई ग्राफिक्स वाले गेम उसने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से संभाले और बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेम रेट प्रोवाइड करवाई। और मुझे कोई भी परफॉर्मेंस के अंदर कुछ भी कमी महसूस नहीं हुई, वाकई में बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस दी है। कहीं पर भी कोई लैग या फिर कहीं पर भी कोई ग्लिच वगैरह मुझे महसूस इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। पहले होगा कोई अली वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो फिर लाइक करना और सब्सक्राइब करना इस वाले चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और अगर कुछ पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मत करना, प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि क्या पसंद नहीं आया। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वाली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो भाइयों। दिस इज मिस्टर ग्रेट साइनिंग ऑफ। जय हिंद। हेलो 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 ओ माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही ब्राइट नहीं हो रहा क्या? अब सही है ना? वाकई में यार इतना अच्छा मौसम हो रहा ना जिसकी हद नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो टाइम वेस्ट करें, बढ़ते हैं अपन रिव्यू की तरफ। तो विनर विनर चिकन डिनर तो मुझे मिल चुका, प्लीज कमेंट करके बता देना कि क्या पसंद नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।